आम आदमी पार्टी विधायक प्रवीण कुमार ऐसे विधायकों में से हैं जो अब तक कुवारे थे और अब परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। कुवारे थे तो कई बार विधानसभा में सैलरी को लेकर बढ़ोतरी की मांग उठाई और फिर विधानसभा में एक कमेटी का गठन कर केंद्रीय गृह मंत्री से मामले को लेकर मुलाकात भी की, लेकिन अप्रैल महीने की मुलाकात के बाद भी दिसंबर तक सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जिसके बाद प्रवीण कुमार ने अब उसी सैलरी में शादी करने का फैसला किया। सारे विधायक हमारे लगभग इसी तरीके की, जिनकी कोई ऊपरी कमाई नहीं है, सारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं और इतनी तनख्वाह में गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए। विधायकों के पास तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी रहती हैं, तो हमने गुजारिश करी थी राजनाथ सिंह जी से कि आप तनख्वाह बढ़ा दीजिए, मैं आपके लिए कार्ड लेके भी आऊँगा। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक तनख्वाह नहीं बढ़ी है विधायकों की, लेकिन उसके बावजूद भी राजनाथ सिंह जी अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे परिवार के साथ सादर आमंत्रित हैं। प्रवीण कुमार ने अपनी शादी का कार्ड केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी देने का फैसला किया है, इस विनती के साथ कि वो उन्हें आशीर्वाद दें और सैलरी बढ़ोतरी की फाइल को आगे बढ़ाएं। आम आदमी पार्टी विधायक दावा कर रहे हैं कि इतने दिनों से उनकी फाइल गृह मंत्रालय में लंबित है, इतने दिनों में 13 राज्यों में विधायकों की सैलरी बढ़ाई जा चुकी है। सिर्फ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नहीं, बीजेपी के विधायक भी हैं और सारे विधायक की जरूरत है सैलरी बढ़ना, तो इसलिए मेरी गुजारिश है राजनाथ सिंह जी से दोबारा कि जिस तरीके से आप बाकी स्टेट्स के लोगों को ट्रीट करते हो, बाकी स्टेट्स के एमएलए को ट्रीट करते हो, उसी तरीके से आप दिल्ली के एमएलए को भी ट्रीट करो, ताकि हमें भी लगे कि हमारे ऊपर भी कोई अपना हाथ रखने वाला है। सैलरी कम है तो शादी का खर्च भी कम रखने की तैयारी है। विधायक के पिता कहते हैं कि सैलरी भले ही कम हो, बच्चों को ईमानदारी से जीवन जीना सिखाया है। ऐसा है, सैलरी कम है लेकिन जैसा भी हो उतने भी तो गुजारा करने पड़ेगा हमें, मगर उसके दो नहीं सकता। सैलरी कम है लेकिन उसको जैसा भी हमें बनता वैसा काम तो करना पड़ेगा, उस हिसाब से गुजारा करना पड़ेगा। चैलेंज और आगे कोशिश करेंगे थोड़ा कुछ ईमानदारी के द्वारा, और कुछ ईमानदारी, हमें ईमानदारी बहुत ज़्यादा पसंद है। हम भले छोटे हैं लेकिन ईमानदारी से काम करेंगे, जैसा भी हो बनेगा ईमानदारी से करेंगे और आगे बढ़ते हुए लोगों का भलाई वाला काम करते रहेंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा, अखिलेश त्रिपाठी, विशेष रवि ने भी सैलरी में बढ़ोतरी की मांग को जोर शोर से उठाया था, लेकिन सैलरी न बढ़ने के बावजूद वो शादी कर चुके हैं। हालांकि सैलरी बढ़ोतरी की मांग पर कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। चुनाव से पहले उन्होंने तो बहुत सादगी के जीवन और राजनीतिक जीवन को जीने की बात कही थी, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, कार नहीं लेंगे, तनख्वाह नहीं लेंगे, ये बात कही थी केजरीवाल मुख्यमंत्री ने, और आज सारी बातें झूठी साबित हो गई हैं। झूठ बोलकर उन्होंने लोगों को गुमराह कर सरकार बनाई। मौजूदा समय में दिल्ली में विधायकों की बेसिक सैलरी करीब 12,500 रुपए है, जो कि भत्तों के साथ करीब 90,000 रुपए महीना बनता है, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने साल 2015 में ही विधानसभा में प्रस्ताव पास कर विधायकों की बेसिक सैलरी को 4 गुना कर 50,000 रुपए करने और कुल सैलरी करीब 2 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा था। हालांकि सैलरी अभी तक नहीं बढ़ी, लेकिन सैलरी बढ़ाने की मांग पर आम आदमी पार्टी लगातार घिरती रही है। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।